नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा ने पुराना बस स्टैंड में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यवसायिक परिसर में खुलने वाले प्रीमियम शराब दुकान का विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर नगर द्वारा शराब दुकान लगने के विरोध को लेकर पुराना बस स्टैंड पर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यवसायिक परिसर के सामने एक दिवसीय धरना दिया है। जगदलपुर के नगर पालिका निगम के सामान्य सभा में दो प्रीमियम अंग्रेजी शराब की दुकान नगर सरकार द्वारा प्रस्ताव लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर नगर द्वारा शहर के बीच पुराना बस स्टैंड पर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यवसायिक परिसर में लगने वाले दो प्रीमियम शराब दुकान खोलने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार शहर को मदिरालय बनाने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है, युवा वर्ग को गलत दिशा में भेजने का काम यह सरकार कर रही है, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा, सामान्य सभा में भाजपा पार्षद दलों द्वारा गर्भगृह में जाकर विरोध दर्ज कराया था। सदन में जो विरोध किया गया था, अब सड़क की लड़ाई जनता के सहयोग से लड़ी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा, कांग्रेस सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी करने का वादा किया था, आज अपने वादे से मुकर रही है। शराबबंदी तो हुई नहीं, मगर जगह जगह शराब की दुकान खोली जा रही है। ये मांग केवल भारतीय जनता पार्टी की मांग नहीं है, ये सामाजिक तरीके से हमारे शहर के लोगों के लिए, आम जनता के लिए, उनके भविष्य को देखते हुए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं की सुरक्षा हो, इस दृष्टिकोण से यहाँ पे शराब दुकान न खोले, इसलिए विरोध किया जा रहा है। और अगर हमारी विरोध को अगर पालन नहीं किया गया, हमारे उसको माना नहीं गया, तो हम और भी आगे की लड़ाई लड़ेंगे। हम कलेक्टर तक जाएंगे, हम राज्य शासन तक जाएंगे, राज्यपाल तक जाके इस यहाँ से मदिरा दुकान को हटाने के लिए हम सभी बाध्य हैं। कि जो सरकार झूठे वादे करके प्रदेश में सत्ता में आई और उसकी नुमाइंदगी नगर सरकार और इस सरकार के आबकारी मिनिस्टर कवासी लखमा, निगम की महापौर सफीरा साहू और उसकी अध्यक्ष कविता साहू और पूरे MIC में जो 12 लोग हैं उसमें 7 ऐसी महिलाएं हैं, परंतु ये 3 जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग हैं जिसमें कवासी लखमा, सफीरा साहू और कविता साहू जी हैं, इनका एक नापाक गठबंधन के कारण अब ये शहर मदिरालय में परिवर्तित हो गया है। और इस मदिरालय में परिवर्तन का विरोध भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी करी है, जब ये लालबाग में एक नवीन प्रीमियर मदिरा दुकान धोखे में रख के खोल रहे थे जनता को, और जिसके कारण वो निरस्त हुआ। और इस बार स्वयं कवासी लखमा सामान्य सभा में पहुंचकर मदिरा दुकान पास हो जाए उसके लिए उन्होंने वहाँ पर दबाव बनाया, इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और इनको चेताती है कि भारतीय जनता पार्टी इस शहर को व्यसन युक्त, मदिरा युक्त नहीं होने देगी, उसके लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी और नगर का आम आदमी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुख्य व्यापारी संघ के सब नेता बैठे हुए हैं, सारे आम लोग भी बैठे हुए हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे।